नमस्कार दोस्तों, साहिल फ्रीडिस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं साहिल रिजवी आज आप लोगों को बताऊंगा कि थाईकॉम 78 डिग्री ईस्ट पे कुछ चैनल्स आए हुए हैं जो कि कनाल तुर्क और रूसियन लैंग्वेज के चैनल्स हैं और इनक्रिप्टेड मोड के चैनल हैं और वो चैनल फ्री टू एयर इस समय चल रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको सेट करना है थाईकॉम 78 डिग्री ईस्ट KU बैंड तो आपको कैसे करना होगा सेट। सबसे पहले हम आपको ये बता दें, अगर आपकी डीडी फ्रीडिस की छतरी लगी है तो आपको इतना घुमाना होगा, लगभग एक फिट की दूरी होगी, इतना आपको घुमा के हल्का सा अप डाउन करना है। बाकी हम आपको कवरेज मैप दिखाते हैं। कवरेज मैप आप देखिए, अगर आप इस एरिया में हैं तो ही आपका 2 फिट पे हो पाएगा, अन्यथा 4 से 6 फिट लगानी पड़ेगी। और दोस्तों हम आपको बता दें, LNB की पोजीशन आपकी ऐसे होगी थाईकॉम 78 डिग्री ईस्ट पे, और तमाम पैसे वाले भी चैनल्स फ्री टू एयर चल रहे हैं इस समय। तो खैर, उसकी जानकारी हम आपको स्कैनिंग करने के बाद ही देंगे। तो आप लोगों ने समझा कि आपकी छतरी कैसे होगी। अगर ABS लगा है तो ABS से थोड़ा सा, बहुत मामूली सा आपको एंटीने को लेफ्ट साइड में घुमाना होगा। बाकी दोस्तों हम आपको स्कैनिंग करके दिखाते हैं कि कितने चैनल आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम आपको MPG2 रिसीवर में स्कैन करके दिखाएंगे और उसके बाद से HD रिसीवर के भी हम चैनल इसमें दिखाएंगे, कवरेज मैप भी दिखाएंगे इसी में। तो सबसे पहले आप जान लें कि आपको करना क्या है, कैसे इन चैनलों को लाना है। MPG2 रिसीवर में स्कैन करने से पहले आपको LNB फ्रिक्वेंसी में आपको लिखना होगा 10600 दोनों तरफ, 10600, और नीचे दिखाई दे रहा है स्कैन मोड, ये होगा ऑल। उसके बाद से 22K ऑन कर देना है आपको, स्कैनिंग मोड पे लगा देना है। दोस्तों जैसा ये देख रहे हैं आप लोग, स्कैन हो रहा है और ये देखिए थाईकॉम 6, ये है इसका कवरेज मैप। बिहार और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर इलाके तक इसका कवरेज है, और थाईकॉम का ये दूसरा कवरेज मैप है, ये पूरे इंडिया में कवरेज है इसका। प्लस इसका जो कवरेज है ये पाकिस्तान में भी है। बाकी स्कैनिंग मोड पे लगा हुआ है हमारा सेटअप बॉक्स, हो रहा है स्कैन। थाईकॉम के बारे में बता दें हम आपको कि कुछ एक इलाकों में इसका कवरेज नहीं है, कुछ एक टीपियाँ इसकी ऐसी हैं कि जिनको पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि 6 से 8 फीट की छतरी लगाएं, पूरे आपके चैनल्स मिल जाएंगे। और जब ये स्कैन हो MPG2 रिसीवर, तो आप परेशान ना हो, ये 90% के बाद ही इसके चैनल आते हैं। ये देखिए 91% हो गया है। बाकी दोस्तों ये देख रहे हैं आप लोग, 95% हो गया, 96 हो गया, ये अभी आया एक TP, और ये सिर्फ 26 चैनल्स हैं MPG2 रिसीवर में। और दोस्तों हम आपको ये बता दें कि KU बैंड का कवरेज ऑल इंडिया में है, लेकिन कुछ एक टीपियाँ हम लोगों को मिलती हैं। अब मालूम नहीं ये क्या फंडा है, लेकिन देख रहे हैं कवरेज होने के बावजूद 14% सिग्नल क्वालिटी आ रहा है। ये देखिए TSI डॉलर निशान का चैनल जो MPG2 रिसीवर में चल रहा है फ्री टू एयर। और हम आपको ये बता दें कि तमाम रूसियन चैनल्स आए हुए हैं इस सेटेलाइट पे, लेकिन MPG4 HD रिसीवर में है। अगर आपके पास MPG2 रिसीवर है तो आप MPG2 रिसीवर में इसके सिग्नल को कैच करें, अपने जो MPG2 रिसीवर है उसको मीटर बना के सिग्नल ला लें आप, उसके बाद से MPG4 रिसीवर में आप इसे स्कैन करें। ये बाकी दोस्तों ये देखिए MPG4 HD रिसीवर के चैनल है, कनाल प्लस, ये देखिए तमाम चैनल्स, ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, ये चैनल नहीं आए थे उसमें MPG2 वाले में, ये देखिए कनाल HD, ये चैनल चल रहा है। बाकी दोस्तों ये देखिए एक्शन HD, हॉलीवुड की मूवीज आती हैं इस पर, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये थाईकॉम का कोई चैनल है, कनाल प्लस, फ्यूचर आइकन, ये देख रहे हैं आप लोग। और ये चैनल जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये कनाल वाले जो हैं, कनाल प्लस वाले, ये अभी अभी आए हैं, कुछ देर पहले आए हैं।
और मोस्ट ब्रेकिंग न्यूज भी है सबसे पहले, और साहिल फ्रेडिस यूट्यूब चैनल किसी भी न्यूज़ को सबसे पहले देता है, ये सब जानते हैं, कहने वाली बात नहीं है। लेकिन ये देखिए सिग्नल क्वालिटी इसमें देख लीजिए आप, और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि चैनल्स स्कैन हुए, कितने चैनल्स आए, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे वहाँ जो कवरेज है, कवरेज घट गया है। सिग्नल पहले जहाँ 40% आते थे, अब वही सिग्नल 15-16% आ रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि छतरी की कंडीशन अगर आपके पास अच्छी है तो ही आप सेट करें, वरना आप हाथ ना लगाएं। आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझे होंगे। अगर हमारी बात आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और आप नए मेहमान हैं हमारे इस चैनल के तो सब्सक्राइब ही करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।